आउज़बल रिम नशैर रहीम मैं हूं हूँ सिद्दार्मिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस व्यवर्स एक सवाल भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर अदालत में कोई आदमी कोई जाली स्टाम पेपर दे देता है तो उसके ख़िलाफ़ किस तरह की कानूनी चराजोई हो सकती है तो यहाँ पर मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो कि जो आपको लगे कि ये एक झूठा डॉक्यूमेंट है फेक है ये जाली डॉक्यूमेंट है तो आप सबसे पहले उसको प्रॉपरली साबित करें कोर्ट में अब ये नहीं होगा कि एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया चाहे वो बेनलफ़ी है कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि सिंपली बस जाके कह दें कि ये एक झूठा डॉक्यूमेंट है पहले आप उसको थ्रू प्रॉपर एविडेंस उसको साबित करें आप जब उस पर जिरा करते हैं जब वो डॉक्यूमेंट बतौर एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाता है आप जब उस पर जरा करेंगे तो आप कोशिश करें कि हर तरीके से उस डॉक्यूमेंट को जाली साबित करें अगर उसको आप जाली साबित करते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो अगर वो स्टाम्प पेपर है तो जिस आदमी ने वो स्टाम्प पेपर जारी करवाया है जिस आदमी ने वो जारी किया है और जिसने वो तहरीर किया है सब लोग तोहने अदालत के भी मर्तकब होंगे और उनके ख़िलाफ़ जो धोखा फ्राड का पर्चा है वो भी काटा जाएगा एफ आई आर भी उन पर होगी लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इस डॉक्यूमेंट को झूठा साबित करें अगर ये स्टाम्प पेपर है तो अगर उस पर किसी आदमी के निशान अंगूठा मौजूद है साइन मौजूद है तो उसको प्रॉपरली पहले उसका जो निशान अंगूठा जिस आदमी का लगाया गया है तो पहले उसका आप फ्रेंड करवाएं जब वहाँ से वो झूठा साबित होगा कि ये इस आदमी के निशान अंगूठा मौजूद नहीं है या अगर निशान अंगूठा नहीं है सिर्फ दस्तखत हैं तो आप जो राइटिंग एक्सपर्ट वगैरह होते हैं तो उन राइटिंग एक्सपर्ट के ज़रिए ये जो साइन हैं जिस भी आदमी के किए गए हैं तो इसको पहले आप झूठे साबित करवाएं उसके बाद फिर आप एक प्रॉपरली कार्रवाई करें उस सूरत में फिर आप जब ये फॉरेंसिक वगैरह करवाते हैं या राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजते हैं तो उसमें अगर वो स्टाम्प पेपर है तो जो स्टाम्प वेंडर है उसके रजिस्टर पर भी साइन या अंगूठा जो भी चीज़ आप कह रहे हैं कि ये झूठी है तो वहाँ से भी उसको आप लाजमी कोर्ट में बुलवा के तो उसके भी प्रॉपर राइटिंग एक्सपर्ट के पास भी भिजवाएं भी फॉरेंसिक वगैरह भी करवाना है तो वहाँ भी आपने उसको भिजवाना है ताकि उस डॉक्यूमेंट की जो बुनियाद है जहाँ से वो जारी हुआ है वहाँ से ले कर आप उसको आखिर तक जहाँ तक वो तहरीर किया गया जहाँ पर वो कम्प्लीट किया गया वहाँ पर जितना भी उसके जो जो स्टेप्स उठाएंगे तो उन सब को आप झूठा साबित करें जब आप इस चीज़ में कामयाब हो तो उस सूरत में फिर आप पहले स्टेप से ले कर आखिरी स्टेप तक जिन जिन लो, लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है वो सारे इसमें मुलजिम होंगे मुजरिम होंगे आप उनके खिलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि आपने फ़ौरन जाके उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा देना ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट जैनवन हो दुरुस्त हो और उस सूरत में आप ख़ुद एक जुर्म का इतकब कर रहे हो अगर आप थ्रू प्रॉपर एविडेंस उस डॉक्यूमेंट को जाली सबित कर देते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है आप उस आदमी के ख़िलाफ़ तोहही अदालत की कार्रवाई भी करें कि इस आदमी ने जानते बूझते ये झूठा डॉक्यूमेंट तैयार करके अदालत की तोहन की है अदालत के हुक्म की तोहन की है और इसके अलावा उसके ख़िलाफ़ चार सौ बीस चार सौ अड़सठ इसका पर्चा भी करवाएँ थाने में कि इसने झूठा और फ्रॉड के ज़रिए यह डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया है ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है जो कि हमने कोर्ट में इसको झूठा साबित कर दिया है लिहाजा इस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जब आप ये दरख्वास्त देंगे थाने में तो उस आदमी के ख़िलाफ़ फिर एफ आई आर काटी जाएगी चार सौ बीस चार सौ अड़सठ पाकिस्तान पाकिस्तान पिनल कोड के तहत तो उसके खिलाफ फिर प्रॉपर एक क्रिमिनल केस भी इनिशिएट हो जाएगा तो ये था आज का टॉपिक कि अगर कोई भी आदमी अदालत में जाली स्टाम्प पेपर दे देता है पेश कर देता है तो उस आदमी के ख़िलाफ़ किस तरह की कानूनी चाराजोई की जा सकती है तो उसमें बेहतर फिर यही है जो एफ़ आई आर है ये सबसे बेहतर है चूँकि अगर एफ़ आई आर हो जाएगी तो उस आदमी को फिर प्रॉपरली ज़मानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल केस जब चलेगा तो उसको हर डेट पर ज़मानत हाँ अगर हो भी गई तब भी उसे हर डेट पर अदालत में पेश होना पड़ेगा जब तक कि के वो केस क्रिमिनल केस फाइनल नहीं हो जाता फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता अगर फाइनली डिसाइड हो के उसको बरी भी कर दिया जाए तब भी इस दौरान ये जो साल दो साल जितना भी ये केस चलता है तो उस आदमी को हर डेट पर अदालत में पेश होना ज़रूरी होता है और फर्स्ट कॉल जैसे ही सुबह केस कॉल होता है वो जाके वहाँ पर हाज़री उसकी करवानी ज़रूरी होती है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा फ़ी इमान